फर्स्ट ब्रेकफास्ट दैट आई हैव मेड माय सेल्फ। पहले लेंगे फहीम का रिव्यू। जद भाई आई थिंक यू लव द मोस्ट बे बैग स्टोरी थे। सो ये कट होगा। बैग में है क्या? हाँ जी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो मैं अभी उठा हूँ, कोई 10-15 मिनट पहले फ्रेश फ्रेश हो गया था, तो अभी 9:30 हो रहे हैं। और अपनों को बताइए, फहीम कौन नसीब आया था कश्मीर से। तो कर रहा तो हम लेट ही मिले थे, तो कर रहा मैंने व्लॉग नहीं किया, आज मैं उसका व्लॉग करते हैं। आज का व्लॉग स्पेशल होने वाला है, क्योंकि चलो वो तो आपको आगे पता चल ही जाएगा। बाकी देखते हैं ये लोग उठे यहाँ क्या स्टेटस है। वेलकम बैक द न्यू व्लॉग। तो ये चैनल है जैद भाई का एंड अभी टाइम आया है 9:51। सो अभी हम करते हैं अपना डे स्टार्ट। तो जैद भाई ने बोला कि आज मैं करता हूँ कुकिंग, सो इनको देते कुकिंग करने, देखते हैं कैसा बनाते हैं खाना एंड हम भी जरूर टेस्ट करेंगे। तो बनाओ भाई, स्टार्ट विद समथिंग। तू फ्रेश हो गए? हाँ मैं ठीक हूँ भाई, बस मुंह धोना है और बाकी सारा। तो आज मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ अंडे उबालना और इस वाले चाय। ये लो भाई साहब, मैंने सोचा आज मैं कुकिंग करूंगा पहली बार। और ये देखो, ये दूध लाया हुआ था, इसी फ्रिज में पड़ा था 3-4 दिन से। तो आज 2 तारीख और ये 1 तारीख पे ही दोनों एक्सपायर हो गए। आ रही तो दूध आ गया है और 4 कप मैंने बनानी है चाय टोटल। तो मैं सोच रहा हूँ 4 कप के लिए 4 चम्मच काफी होंगे, है ना? जब नहीं पियेंगे फिर क्या ही कर सकते हैं। अब ट्राई तो कर रहा हूँ, ये बड़ी बात है। आधा चम्मच वो डाल लेते हैं टू बी ऑन सेफर साइड। अरे यार ये तो काली लग रही है, खराब तो नहीं होगी बनाने से पहले। इसमें हम डालने लगे दूध, यार लगता है इसमें चाय पत्ती ज्यादा चलेगी, तभी इतना डार्क कलर आ रहा है ना। ओके, दूध हो गया इसका, चाय पत्ती हो गई, पानी हो गया, लेकिन मुझे समझ नहीं रहा चीनी कितनी डालूं। सोच रहा हूँ 4-4.5 चम्मच ही डालूं, जैसे जितनी चाय डाली उतनी चीनी डालूं। अंडे रेडी हो गए, तो अंडे उतार दिए मैंने और ये भी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। पर जो भी स्मेल अच्छी आ रही है, मैं खुद टेस्ट करता, बट मैं खुद से खुद का दिल नहीं तोड़ना चाहता ना। इनको पिलाऊं अगर बुरी भी होगी तो ये लोग बोलेंगे अच्छी है, मुझे पता है, क्योंकि सोचेंगे यार इसने पहली बार ट्राई करा, तो समझ रहे हो ना। So this is how looks my first breakfast that I have made myself, like for the first time in my life. But अब student life है, दिल्ली में है, कश्मीर में तो है नहीं कि घर पे है, मजे से order कर रहे हैं माँ को, वो बना ये बना वो दो ये दो। तो चलो अभी review लेते हैं सबका कैसा बना है। All right, तो सबसे पहले लेंगे फहीम का review। जरा फहीम चाय भी। भाई बहुत time से मेहनत कर रहा है, seriously यार बहुत time से। तो ठंडी चाय पिलाता क्या? मैं पहले ये भाई मलाई नहीं खाता। जद भाई हाँ, हमें काम करते हैं क्या, हम टी स्टॉल खोलते हैं बाहर। सही में बढ़िया बनी है, कसम से बढ़िया बनी है। तो पहले मैं भाई को इंट्रोड्यूस करता हूँ। भाई का नाम है शोभी, जो कि है अफान का फ्रेंड, और अभी ये फ्लैट पे आ गए थे। टेस्ट करो। मैं वैसे मैं बहुत कम पीता हूँ, लेकिन भाई ने बहुत देर से मेहनत करी है, तो मैं इसको चेक तो करूंगा। भाई मेरी तरह मलाईदार कैसे बनोगे फिर? बढ़िया है भाई, सीरियसली होता हूँ। हाँ चाय बढ़िया है। दो लोगों ने बताया सही है, जैसे कि फहीम ने बताया बहुत बढ़िया है, भाई ने बोला बहुत बढ़िया है। अब है अफान की बारी। अरे बहुत बढ़िया है यार, ये मरे पता है मुझे। चाय अच्छी बन सकती थी, मैं आपसे अच्छी बना सकता, बट तब भी ठीक है। ठीक है ना, चलेगी ना, फर्स्ट टाइम के लिए बहुत बढ़िया है ना। चाय बढ़िया बन सकती थी, लेकिन जैद वजह से वो पता है कि उनकी पहले वो हॉकी के बहुत बड़े शौकीन थे, मुझे लग रहा है जितना मैं एक्सपीरियंस है। ये तो आज कल ही डाल दूंगा भाई साहब, कमेंट्स करना मेरे नाम पे जो भी है। वही माज को पता नहीं कुछ शायरी कर रहा है, गाना गा रहा है, क्या हो गया तुझे? सुबह मैं उठा पहले सबसे, इधर बैठा हूँ, यहाँ पे अफानसो है, तो मैं सॉन्ग्स यहाँ पे स्पीकर लाया, मस्त बजा रहा हूँ भाई, कितना मजा है मेरे को, ये मेरे को ही पता है। लास्ट 3 घंटे से कंटिन्यू कर रहा हूँ, इन भाई को पता है, इसलिए बोलो ने पागल हो गया। आज मेरी अचीवमेंट है, मैंने ब्रेकफास्ट बनाया है ना, चाय अच्छी ना, पानी पियो भाई। कांग्रेस, आगे क्या करें हम आज? 12 बजने वाले हैं, देखेंगे भाई कौन उठेगा ना, अभी तो बस फिर देखेंगे। एक्चुअली कौन और नसीब अभी सो ही रहे हैं, तो उनको उठने दो ना, फिर हम कुछ प्लान करते हैं बढ़िया सा। भाई वो कह रहा है प्रिपेयरिंग सम लंच। हाँ लंच का भी देखना है ना भाई। शोकी ने बोला तो चिकन आता है, अबे सब आता है यार, इंटेंट कॉन्टिनेंट। आवर्स लेटर। और भाई साहब उठ गए? बेजगर सहजा ही मैं ना, नींद सही की ना? ये ना वल्लाह, क्यों रात में शोंग में फहीम? अच्छा जैसे सुन ली थी आपने, बकवास है। सही है। तो ये हमारे बासित भाई, कौन द म्यूजिक, और ये है नसीब भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। तो इनके तो आपने गाने वाने सुने होंगे, नहीं तो आप जो जिन लोगों ने नहीं सुने वो जाके सुन लेना। तो भी क्या था ना कि जब मैं उठा था ये सो ही रहे थे, हमने उनको डिस्टर्ब नहीं किया। अच्छा भाई ने भी मेरी बनी चाय पी आज, कैसी लगी? जबरदस्त, बढ़िया थी ना? बढ़िया सर।
तो भाई साहब एक्चुअली फेम के साथ आए थे ना आपने, देखो वो जो लास्ट में मैंने फेम को ऐड किया था वहीं पे हम ले थे ना। कंफर्टेबल हो ना यहाँ अच्छे से, सब बढ़िया है ना? नहीं 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 भाई, मैं बोल रहा हूँ भाई बच्ची है तुम बैठो यार, मैंने को कहा एक महीना दो महीना बैठो, कोई टेंशन नहीं है, वही बानी चाहिए भाई। मस्त है, थोड़ी देर में रेडी हो रहे बाहर चलेंगे, ठीक है? ठीक है। तो अफान गया बाहर, ये उसका दोस्त अफान का जुनैद भाई, और इसको तो आप सुबह मिल ही चुके थे। क्या सीन है लोंडो, क्या करना है फिर? अब लंच का प्लान करते हैं। किसका? लंच का। हाँ लंच का टाइम हो रहा है, लंच करा आपने? साथ में करेंगे ना। 2000 years later। तो आप लोगों को पता है आज भी हम कहीं नहीं गए बाहर। देखा फही, मैंने बोला था ना यहाँ के बंदा लेजी होता है, तो जब घर से कॉल करता है ना क्या बोलता है भाई, दूसरे फ्लैट भी होता है बाहर नहीं जाता। अब तो तू आगे दिल्ली, अब क्यों नहीं जा रहा है बाहर? मैं 3 दिन से बैठा हूँ है ना, पता नहीं, लेकिन कल डेफिनेटली, कल डेफिनेटली जाएंगे। अच्छा तो 10% अभी सोते हैं मेरे ख्याल से, कल करेंगे। देखो भाई साहब ऐसा है, आवर्स लेटर, बाय द वे पंकू आ गया है, बीमार हुआ था तू 2-3 दिन है ना? अरे और क्या, बड़ी गंदी हालत हुई थी। क्या हुआ था? डेंगू मलेरिया। और भाई साहब अभी ऐसा है ना, कितने बज रहे हैं फिर? अभी टाइम आ रहा है भाई 3:30 बज रहे हैं, बात बात करने लगे थे 11:30 से, मतलब पता ही नहीं चला, पता ही नहीं चला, मुझे लगा 11:30 बैठे थे तो 1 बज गए होंगे मैक्स। ऊपर से नींद भी नहीं लग रही थी, नींद भी लग रहा, बात बात कर रहे, फिर वो हुआ था बचपन की स्टोरी, स्कूल की स्टोरी, जो भी, एनीवेज मजा है। अभी सोते हैं, अभी मतलब लेट हो गया भाई, कल हेडिंग थे वहां पहुंचे, बैग स्टोरी थे, सो एक कट होगा बैग में है क्या? लेकिन ट्रूथ ऑर डेयर है, लेकिन बोतल नहीं घूमेगी, मैं सीधा एक एक से पूछूंगा क्वेश्चन, फिर आप लोग तीनों मेरे से एक पूछ लेना, ठीक है? सब्सक्राइब ट्रूथ ऑर डेयर। अच्छा द थिंग यू हेट द मोस्ट, जो चीज मेरे को ज्यादा हेट करती है, जो चीज तू हेट करता है सबसे ज्यादा, हेट करता हूँ, हिट नहीं, हेट, जो चीज तू सबसे ज्यादा हेट करता है, ऐसा एक फ्रेंड जो पीठ पीछे बुराई करता हो। ओके गंदा 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 भाई के दिल की बात छीन लिया, मुमकिन है सिचुएशन में भाई। ट्रुथ और डेयर, ट्रुथ, आई थिंक यू लव द मोस्ट गर्ल, अ लॉयल फ्रेंड, अ लॉयल फ्रेंड लाइक हिम, भाई इनकी दोस्ती सच में नेक्स्ट लेवल है कसम से, माशाल्लाह। ओके ब्रो, ट्रुथ और डेयर, ट्रुथ, भाई ट्रुथ और डेयर, ट्रुथ, worst memory ever, worst memory ever, you know the one, बहुत गलत हुई थी कॉर्नर में, बोल रहे डॉक्टर को, अरे बोला एक बार डॉक्टर को, नहीं खतरा मत है, कुछ खतरा मत है, बोला एक्सपोजर हुआ है, कोई बात नहीं, मौसम वगैरह चेंज होता है, कोई टेंशन नहीं। सबसे बेहतरीन चीज तुझे दुनिया में कौन सी लगती है? आई थिंक मैं भी आपके आंसर के साथ जाना चाहूंगा, लॉयल फ्रेंड, फ्रेंड होता है इरिप्लेसेबल, जो आप फैमिली के साथ शेयर नहीं कर सकते, अगर आपकी गर्लफ्रेंड है उसके साथ भी शेयर नहीं कर सकते, वो चीज आप फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, बाकी सब चीजें होती रहेंगी, बट एक बेस्ट फ्रेंड। ओके सो विद दिस आई थिंक दिस इज एनफ फॉर दिस वन, आप काफी है ना, एक वैसे भी यार 50 घंटे से ज्यादा हम फ्लैट में बैठे है ना, पसंद आया तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।